ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے اور لا تعداد ان گنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر کے اوپر جس طرح کے سورۃ المائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی یہی آیت تلاوت کی تھی تو اللہ سے دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے تعالی علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے یہ سنا اور پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو صفت تھی وہ تھی احسان کرنے والے محسنین جو ہیں اللہ ان سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں اور یاد رکھیے جب بندہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے پھر احسان کرنے کے بعد وہ احسان جھٹلائے نہ کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مسلمان کی خیر خائی کی یا کسی انسان کی یا جانوار کے ساتھ ہمدردی کی ہے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے
तो उसके बाद एहसान जुटलाना जो है ये हमारे लिए जहन्नम के अंदर जाने का सबब बन जाएगा। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तीन किस्म के बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला क्यामत वाले दिन नजरे रहमत से देखेगा नहीं, और इस तरह उनके तज़किया उनके गुनाह माफ नहीं करेंगे, और उन्हें अल्लाह ताला बड़ा दर्दनाक अजाब देंगे। उनमें से सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा जो अपनी सलवार टखनों से नीचे रखता है। हम इस गुनाह को, इस बुराई को हम समझते हैं फैशन है, लेकिन मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये आप सलवार टहनों से नीचे रखोगे क्यामत वाले दिन होगा, अल्लाह ताला नजरे रहमत से उस बंदे को नहीं देखेंगे, ना उसके गुनाह माफ करेंगे, अल्लाह ताला उसे दर्दनाक अजाब देंगे। दूसरे नंबर के ऊपर आपने फरमाया वो बंदा जो अपना माल बेचता है, माल बेचने वक्त कसमें उठाता है, अल्लाह की कसम, इतने का आया, इतने कसम उठाने की जरूरत क्या है? अगर आपने माल बेचना है आप कसम के बगैर बेचें, अल्लाह आपका अगर माल के अंदर सही है, आपका यानी माल बिल्कुल ठीक है, धोखा नहीं दे रहे किसी को, तो अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत डालेगा। तीसरे नंबर के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा जो एहसान करता है, किसी के साथ एहसान करके बार बार कहता है मैं तो नहीं कह देते, फलां जगह के ऊपर आपके काम आया, फलां जगह के ऊपर आपको इतने पैसे दिए, ये बार बार याद ध्यान नहीं करवाना, कोई काम पड़ दे मैंने तेरे साथ एहसान किया तो मेरे मुझे ये दे रहे सिला, इस तरह करेंगे तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो एहसान जो किया है, एहसान अगर इंसान ने अल्लाह को राजी करने के लिए किया है तो क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसका अजर देगा, दुनिया के अंदर भी देगा, अगर हमने एहसान करके उसको जुतलाना शुरू कर दिया, यही हमारी नेकी जो है हमें नेकी तो नहीं बल्कि गुनाह बन जाएगा और हमें जहन्नम के अंदर ले जाएगा। तो आइए आज के खुतबा के अंदर हम दूसरे बंदा जो है जिसको अल्लाह बड़ा महबूब है, जिसके लिए अल्लाह जिसको बड़ा पसंद करता है वो कौन है? वो है मुत्तकीन। किनको पसंद अल्लाह करता है? मुत्तकीन को। तो आइए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने तीन मुकामात के अंदर ये इरशाद फरमाया, मुहसिनीन के लिए पांच मुकामात और मुत्तकीन के लिए अल्लाह जो जलाल वाले कराम ने तीन मुकामात के ऊपर अल्लाह ने फरमाया मैं मुत्तकीन से मोहब्बत करता हूं। तो आइए सबसे पहले सूरह आले इमरान आयत नंबर 76 है, अल्लाह जो जलाल वाले कराम क्या इरशाद फरमाते हैं, आइए कुरान में जी सुनिए, अपना ईमान ताजा कीजिए, क्या फरमाया? फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बला मन औफा बिअहदिही वत्तका फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्यों नहीं, जो बंदे औफा बिअहदिही अपने वादे जो करते हैं पूरे करते हैं, वत्तका और डरते हैं मुत्तकी बन जाते हैं। फरमाया जो बंदा अल्लाह से डरता है वो वादा भी पूरा करेगा, और जो बंदा वादा पूरा करेगा तो अल्लाह फरमाते फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला क्या करते हैं मुत्तकीन से मोहब्बत करते हैं। और याद रखिए जिसके दिल के अंदर खौफे खुदा मौजूद हो, जिसके दिल के अंदर तकवा मौजूद हो, वो बंदा हर वक्त गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा, किसी को धोखा देने के लिए कोशिश करेगा, किसी के साथ वादा किया वादा खिलाफी नहीं करेगा। अल्लाह का कुरान यहाँ यही फरमा रहा है बला मन औफा बिअहदिही वत्तका, अगर अल्लाह के साथ आपने वादा किया है वो वादा पूरा करें। अल्लाह से मैंने भी वादा किया, आपने वादा किया, आलम अरवा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जो जलाल अल इकराम ने फरमाया मेरे अलावा कोई इलाह है रब है, तो उस वक्त क्या कहा हमने? हमने कहा ला ऐ अल्लाह कोई इला नहीं। उस वक्त हमने अल्लाह से वादा किया अगर हम दुनिया के अंदर आ गए हैं तो अल्लाह के दर को छोड़ के
गैरों से मांगना शुरू कर दिया तो समझ ले हमने अल्लाह के साथ जो वादा किया है वो तोड़ दिया है। तो आइए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दूसरा मुकाम है सूरत तौबा आयत नंबर 4 है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इस मुकाम के ऊपर भी यही इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह किन से मोहब्बत करता है, मुत्तकीन से। आगे चल के आप बताता हूं मुत्तकीन कौन है, क्योंकि हम ये तो सुन रहे हैं कि मुत्तकी से अल्लाह मोहब्बत करता है, आगे हम पढ़ेंगे सुनेंगे कि मुत्तकी है कौन, क्या हमारे अंदर तकवा मौजूद है कि नहीं। हम सिर्फ कलमा पढ़ के मुसलमान होने का, मोमन होने का हम दावा ही करते हैं कि वाकई हमारे अंदर खौफे खुदा मौजूद है। तो आइए अल्लाह जो जलाल वल इकराम ने यार ये इरशाद फरमाया, फरमाया इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीना सुम्मा लम यनकुसुकुम शैअन वलम युज़ाहिरु अलैकुम अहदन फअतिम्मु इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन। यहां भी अल्लाह जो जलाल वल इकराम ने ये इरशाद फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर थे, मक्के से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से अहद किया, वादे किए, तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया अब आपने वो वादे पूरे करने हैं। ये नहीं कि हमारा दुश्मन है उसके लिए कोई कानून नहीं, जो मर्जी हम करें, नहीं। अल्लाह फरमाते काफर हो, मुशरक हो, काला हो, गोरा हो, जो भी है, आपने जिससे भी वादा करना है क्या करना है, क्या करना है, आपने वादा निभाना है। अगर वादा नहीं निभाओगे तो अल्लाह फरमाते फिर आप मुत्तकी नहीं। आज हम देखते हैं हमारे माशरे के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोगों से वादे करते हैं लेकिन बाद में वादे पूरे नहीं करते और उसके बाद भी कहते हैं हमसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं, हम तो नमाजें बड़ी बड़ी लंबे पढ़ते हैं, हम तो रोजे रखते हैं, हम फलां इबादत करते हैं। याद रखिए, नमाजें पढ़ लेना, सदके जकात दे लेना, रोजे रख लेने से बंदा मुत्तकी नहीं बनता। मुत्तकी उस वक्त बनेगा जब इंसान फराइज के ऊपर अमल करेगा और हराम कामों से बचेगा, इसे बंदा कहता है मुत्तकी बन गया, किसी को धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, जितने हराम काम है उससे बच जाना, यह है तकवा। तकवा का माना बचना, खुद को अपने आप को बचाना। तो जो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है वो असल के अंदर कौन है, मुत्तकी। थोड़ी बातें कर ले कोई मसला नहीं, जो फराइज है वो निभाता रहे, नफली नमाज ना पढ़े लेकिन फराइज के ऊपर अमल करे, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके ऊपर अमल करे और हराम कामों से बचता रहे, असल के अंदर ये मुत्तकी है, ये कामयाब है। आइए आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना दो औरतों का तज़किरा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां औरत है बड़े बड़े लंबे सजदे करती है, रात को उठ के क्याम करती है, नफली नमाज बड़ी अदा करती है, सदका जक़ात भी बड़ा देती है, लेकिन उसके अंदर फलां खामी है, कौन सी? फरमाया उसके हमसाए, उसके कौन से हमसाए उससे तंग हैं। आपने फरमाया मैं वाजबात, क्या हुआ वाजब होगी। दूसरी का तज़किरा किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां औरत है सिर्फ फर्ज नमाज अदा करती है, फर्ज रोजे रखती है, फर्ज जक़ात देती है, जो अल्लाह ने फराइज उसके ऊपर कायम किए हैं वो ही बस पूरे करती है। और याद रखिए, आपने फरमाया जब सहाबी ने कहा ना अल्लाह के रसूल फराइज के ऊपर अमल करती है लेकिन हमसाए उसे तंग नहीं, आपने फरमाया वाजबात उसके ऊपर ही वाजब हो गई। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या वाजब होगी, फरमाया जिसके हमसाए उसे तंग है उसके ऊपर जहन्नम वाजब है, जिसके ऊपर जिसके हमसाए उसे राजी है और उसे कोई नहीं मसला, फराइज अमल कर रही है लेकिन नफली नमाज नफली रोजे नफली जकात तो नहीं दे रही, लेकिन उसके हमसाए जो है उससे तंग नहीं, फरमाया अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत वाजब कर दी है। तो इसलिए मुत्तकी बंदा उस वक्त बनता है जब इंसान फराइज के ऊपर अमल करे और हराम कामों से बचता रहे, किसी को धोखा फरेब किसी के साथ झूठ ना बोले, तो उसे कहते हैं मुत्तकी। तो अल्लाह ने यहां यह फरमाया इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, अगर मुशरिकों से भी आप वादा तो करते हैं ना लेन देन का, कोई भी आप वादा करते हैं कोई वादा कर लेते हैं तो वो वादा तोड़ना नहीं,
वो मादा क्या करना है, नबाना है। तो अल्लाह फरमाते आगे फरमाया अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करते हैं। तीसरा मुकाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सूरह तौबा के अंदर ही अरशाद फरमाते हैं, आए नंबर 7 है, अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं, कई पाया कूनुनिल मुशरिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिहि इल्लल्लजीना आहतुम इंदल मस्जिदिल हराम फमस्तकामू लकुम फस्तकीमू लहुम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। ये 3 मुकाम है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करते हैं। आइए मुत्तकी किसे कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या सहाबा इकराम की जो तारीफ की गई है उसकी रोशनी के अंदर आपके सामने मुत्तकी कहते किसे हैं। आइए सबसे पहले उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन ना उमर रजी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने बोलते हैं मुत्तकी की तारीफ तो कर दो, क्योंकि उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला ने कुरान के बड़े माहिर थे, कुरान पढ़ना भी जानते थे और इसकी तफसीर भी जानते थे और एक दूसरे से ये मसाइल पूछते रहते थे। तो उमर रजी अल्लाह तआला ने जब पूछा मुत्तकी किसे कहते हैं तो सहाबी रसूल क्या फरमाते हैं, कहते हैं मुत्तकी अगर समझना चाहते हैं आप एक रास्ता देखें जिसके दाएं बाएं कांटे वाली झाड़ियाँ हों तो वो बंदा कैसे गुजरेगा। तो सहाबी रसूल फरमाने के वो ऐसे गुजरेगा अपने कपड़े अपने जो भी उसके साथ है वो अपने चमटा के थान लगा के बड़े एहतियात के साथ चलेगा, ठीक ऐसे चलेगा ना, फरमाया जी ऐसे चलेगा। फरमाया दुनिया के अंदर रहते हुए जब इंसान गुनाहों से हराम कामों से इस तरह बचता है, क्योंकि दुनिया के अंदर फितने ही फितने हैं, दुनिया आजमाइश वाली जगह है, तो आजमाइशों से बचना, फितनों से बचना, गुनाहों से बचना, हराम कामों से ऐसे बचाते 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 निकल जाता है, इसे कहते हैं मुत्तकी। इसे क्या कहते हैं, मुत्तकी। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, फरमाने लगे मुत्तकी उसे कहते हैं, यानी सब सहाबा इकराम तारीफ एक ही की है लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है के फराइज को पर अमल करना, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं मुत्तकी उसे कहते हैं जो बंदा क्या करता है, अल्लाह के हुक्मों को मानता है, अमल करता है, हराम कामों से बच जाता है, और साथ ही आगे फरमाने लगे जो बंदा अल्लाह के दिए के ऊपर राजी हो जाता है। अल्लाह थोड़ा दिया है, अल्लाह ज्यादा दिया है, अल्लाह फलां तकलीफ आ गई है उसके ऊपर कनात कर लेता है, थोड़े के ऊपर राजी हो जाता है और क्यामत की तैयारी करता है जिसके अंदर ये 4 खूबियां हों। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते ये बंदा मुत्तकी है। तो आप अपना खुद मुहासबा करें, क्या हम अल्लाह के हुक्मों को मान रहे हैं, अमल कर रहे हैं, क्या हराम कामों से बच रहे हैं, क्या जो अल्लाह ने हमें दिया है उसके ऊपर राजी हैं। अगर नहीं राजी कि फलां के पास माल बड़ा, अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया, फलां के पास जायदाद बड़ी है, मुझे क्यों नहीं मिली, ये जब सवाल अल्लाह से करेंगे तो ये शिकवा हो जाएगा, अल्लाह की नाशुक्री हो जाएगी। तो हजरत अली फरमाते हैं ये 3 और चौथी जो है बात, क्या हम क्यामत के लिए मरने के बाद जो हमारा हिसाब किताब होगा क्या हमने उसके लिए तैयारी की है। हर बंदे को पता है कि मैंने क्या किया आखिरत के लिए, मैं अपना क्या कमाया। जो मजदूर होता है ना वो 8 से 4 बजे काम करता है, उसे पता होता है मैंने कितना काम किया है, मेरी मजदूरी कितनी है। इसी तरह जो दुनिया के अंदर आया है, जो भी इंसान आया है, उसे ये पता है मैं आखिरत के लिए क्या कमाया है। तो इसलिए क़यामत के लिए तैयारी करना, ये बंदा मुत्तकी है। तो आइए अल्लाह जो जलाल वल इकराम का कुरान सुनिए। अल्लाह जो जलाल वल इकराम ने मुत्तकीन को एजाज बख्शे हैं, मुत्तकीन को इनामात दिए हैं, मुत्तकीन को फजीलत दी है। आइए सबसे पहले अल्लाह जो जलाल वल इकराम ने सूरत बकरा के अंदर जो मैंने इब्तिदा के अंदर आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने उन्हें इनामात क्या दिए। अल्लाह जो जलाल वल इकराम फरमाते हैं कि जो बंदा मुत्तकी होगा उसके साथ मेरी मदद आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया वालमु अन्नल्लाहा माअल मुत्तकीन, फरमाया जान लो अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर 2 मुकामात हैं,
एक आयत जो है 36 नंबर और दूसरी आयत 123 नंबर आयत है। अल्लाह जो जलाल वली कराम ने फरमाया वकातिरुल मुशरिकीन, फरमाया किताल करो मुशरिकीन से, काफतन मुकम्मल सारे मिल के करो, एक एक करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह फरमाते मिल के करो, मुसलमानों इकट्ठे रहो। तो आगे क्या फरमाया वालमु अन्नल्लाह माअल मुत्तकीन, ऐ मुसलमानों ये ना समझना हमारे पास असला काम है, ये ना समझना हमारे पास लोग काम है, बल्कि फरमाया जान लो अन्नल्लाह माअल मुत्तकीन, तुम तकवा अपने अंदर पैदा करो, मुत्तकी तुम बन जो, मदद मेरी आएगी तुम्हारे साथ फरिश्तों के जरिए, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो 123 नंबर आयत है अल्लाह ने यहाँ फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफार, ए ईमान वालो काफरों से लड़ो, काफरों से लड़ो, उन काफरों से जे जो तुम्हारे इस्लामी रियासत के इर्द गिर्द है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मदीने थे, मदीने से बाद फिर जो जो इलाके आते थे सब के साथ यानी जिहाद करते करते ये ईरान, इसी तरह जो है बैतुल मक़दस तक ये जिहाद चलता रहा। तो अल्लाह ने यहाँ हुक्म देने के बाद आगे ये इरशाद फरमाया वअलमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, क्योंकि सबसे बेहतरीन ज़ादे राह भी वो क्या है तकवा। अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर ये इरशाद फरमाया कि जब हज के लिए जाओ ना तो साथ ज़ादे राह लेकर जाओ, और सबसे बेहतरीन ज़ादे राह क्या है, क्या अच्छा पानी साथ ले जाए, खाना साथ अच्छा ले दें, ये तो लेकर जाने जाने, लेकिन अल्लाह फरमाते इससे बेहतरीन जो है ज़ादे राह वो तकवा है। क्योंकि जब इंसान के पास तकवा ही मौजूद नहीं, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, हर तरह की नेमतें वो अपना इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तकवा मौजूद नहीं उस हज का ही फायदा नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया तकवा जो है ना ये हर वक्त आपके साथ होगा तो अल्लाह की मदद आएगी। और याद रखिए आप अगर तारीख का मुताला करें तो आपको ये बात वाज़े तौर के ऊपर पता चल जाएगा, जब तक हमारे लीडरों के अंदर, हमारे अंदर या सिपाहियों के अंदर या जिस शख्स के अंदर भी तकवा मौजूद था तो अल्लाह ताला की मदद उसके साथ थी। जब तकवा खत्म हो गया फिर क्या हुआ, फिर दुनिया का लालच आ गया, फिर दुनिया के मफादात आ गए। तो इसलिए अल्लाह ने जब जिहाद का हुक्म दिया तो उस वक्त भी क्या फरमाया वअलमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, ए लोगो ए ईमान वालो क्या करना है जान लो अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह ताला किन के साथ है, मुत्तकीन के साथ। और इस तरह अल्लाह ताला ने सूरत मायदा के अंदर जब हबील और कबील के आपस के अंदर लड़ाई हुई ना, उनका सदका रखते हैं, जिसका कबूल हो गया तो वो बंदा क्या है कामयाब, वो बंदा शादी कर लेगा, यानी दूसरी यानी इख्तलाफ जिसके अंदर था। तो अल्लाह ने उस आयत के आखिर के अंदर जब सदका कबूल हो गया ना उस वक्त क्या इशार फरमाया, फरमाया इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। यहां भी इशार फरमाया पहला एजाज कि अल्लाह फरमाते हैं मदद मेरी मुत्तकीन के साथ है, दूसरा एजाज कि अल्लाह ताला फरमाते हैं दुआएं कबूल होंगी, सदकात कबूल होंगे, नमाजें कबूल होंगी। पहले इंसान के अंदर तकवा मौजूद होगा, तकवा नहीं तो फिर ये कबूलियत नहीं। और इसी तरह आगे अल्लाह ताला ने तीसरा एजाज जो है सूरत अपना आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाया वसारिउ इला मग़फिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमाया ए लोगो वसारिउ, सबको कह दिया आप वसारि जल्दी करो, जल्दी करो इला मग़फिरतिन मग़फरत की तरफ, और किसकी तरफ, जन्नत की तरफ। और जन्नत कैसी है, अर्दुहस समावातु वल अर्द, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, आसमान और जमीन जितनी। तो अल्लाह ने आगे फरमाया ये बनाई किसके लिए है, ओ इद्दत लिल मुत्तकीन, ये तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए। आइए ना कुरान मजीद के कई मुकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह जो जलाल वली कराम फरमाते हैं इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तकीन के लिए जन्नत है। और कैसी जन्नत,
عیون جسکے اندر چشمے ہیں. کہیں فرمایا ان المتقین فی مقام آخر, متقین کے لیے بہترین جو ہے نا مقام جو دوسرا آخرت والا ہے. اور کہیں کیا فرمایا, فرمایا ان المتقین, بے شک متقین کے لیے فی جنات و نہر, نہرے والی جنت ہے. کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم, نعمتوں والی جنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے متقین کو اعزاز بخشا ہے. قرآن مجید کے اندر فلاں ملے گی, فلاں مدد آئے گی, جنت ملے گی, یہ متقین کے لیے ہے. اور متقین وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والے, حرام کاموں سے بچنے والے, جو اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی ہو جانے والے, اور قیامت کے لیے آخرت کے لیے تیاری کرنے والے جو ہیں یہ ہے متقین. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا واللہ ولی المتقین, وہ اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے. کس کا دوست ہے؟ متقین کا. جس کا دوست اللہ بن جائے, ہم کہتے ہیں میرا فلاں دوست ہے, میرا فلاں دوست ہے, فلاں عہدے دار دوست ہے, فلاں جو ہے وزیر پیر مولوی فلاں میرا دوست ہے, بڑے فخر سے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین, وہ میرے دوست جو ہے وہ متقین ہے. اگر اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں, اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں. جب یہ پیدا ہو جائے گا تو پھر انسان گناہوں سے بھی بچ جائے گا. آئیے سورۃ طلاق کے اندر اللہ ذوال جلال والاکرام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا, جس کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے وہ دنیا کے اندر کس طرح رستے اللہ کھولتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کرتے ہیں. سورۃ طلاق کے اندر اللہ ذوال جلال والاکرام اس طرح ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. جو بندہ دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے, کہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اور کہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ کیا کرتے ہیں جو بندہ اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھتا ہے, نیک کام کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے اگر دنیا کے اندر کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں, رستے کھول دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے اللہ رزق دیتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو آئیے ایک آپ سامنے واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ موضوع تو بہت لمبا ہے لیکن ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا, واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو رزق کیسے دیتا ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو, تقویٰ ہو. کیونکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے رزق دوں گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں. آؤ میں آپ کو مکے کے اندر لے جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مکے کی زیارت, بیت اللہ کی زیارت طواف اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو یہ مکے کے اندر نا اب تو اللہ نے بڑی نعمتیں دے دی ہیں نا, یہاں بھی وہاں بھی نعمتیں بہت ہیں. ایک وقت تھا وہاں اتنی نعمتیں نہیں تھا تھی, کچھ لوگ تھے یعنی جھوپڑیاں لگائی, خیمے لگائے, حاجی آئے وہاں طواف کیا, تو وہ ان کا کاروبار تھا. تو ایک وقت تھا تو ایک بوڑھا آدمی غالباً 80 سال کی عمر ہے, تاریخی کتاب کے اندر لکھا ہے اس کا نام غالباً محمد, ویسے نام تھا محمد بن ابن قاسم تبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان کا نام. تو کیا کہتے ہیں کہ وہ وہاں رہ رہا تھا, اور اتنی غربت کے 4 بیٹیاں 2 بہنیں اور 1 بیوی اور 1 خود ایک ساس تھی ان کی, یہ یعنی 7 بندے بنتے ہیں. ان کا اخراجات جو ہے, یہ اکیلا بندہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا, 80 سال عمر ہے. تو ایک وقت آیا کہ ایک کپڑا ایک چادر ہے, خود بھی وہ لیتا ہے اپنی بیوی کو اپنے یعنی جتنے تھے نا ان کو سارے یہ استعمال کر رہے ہیں, نماز ادا کر, فجر کی اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, مکے کی وادیوں سے ٹکراتے ٹکراتے اس گھر کے اندر بھی جاتی ہے, لیکن کپڑے موجود نہیں. وہ اگر مسجد میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سر نکل آتا ہے, بیوی نماز نہیں پڑھ سکے گی, بہنیں نماز نہیں پڑھ سکیں گی, بیٹیاں نماز نہیں پڑھ سکیں گی, تو وہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے. تو ایک وقت یعنی رمضان کا وقت اپنا دن تھے,
उसने क्या किया, इतनी गुर्बत कि सूखी रोटी है पानी के अंदर रात को भगो देनी, सुबह जो है वो सहरी की। जब ये मंजर उसने देखा सहरी की और नमाज फजर की, सब ने नमाज पढ़ ली, जब तो बीवी कहती है इस तरह करो कि मक्के के अंदर लोगों का दरवाजा खटखटा के ना ये कहे कि मुझे कोई मजदूरी दे दो। जब दरवाजा खटखटाते हैं लोगों से कहते हैं कि मुझे मजदूरी चाहिए, मैं अपने घर के अंदर जो रोजे रखे हैं अफतारी करनी है, कोई चीज मौजूद नहीं। जब उसकी उम्र देखते हैं, हुलिया देखते हैं, बंदे की जरूरत है, लेकिन वो कहते हैं ये बूढ़ा आदमी क्या करेगा, 5 मिनट का काम ये घंटा लगा देगा। मेरे दोस्तों इस तरह का मामला है ना, तो आप वैसे उस बंदे के साथ तावन कर दें, अल्लाह आपको बड़ा अजर देगा। तो वो बंदा कहता है कि फिर चलता चलता जिसके पास जाए वो कहता नहीं जरूरत है, लेकिन आपकी जरूरत नहीं, आप इतने लागे हो चुके हैं, बुजुर्ग बन चुके हैं, आपसे काम नहीं होगा। आखिरकार वो थक गया, एक यानी जंगल की तरफ या सहरा के अंदर चला गया, बड़ा परेशान। कहते कि इससे बेहतर है मुझे मौत आ जाए, और लेकिन मौत की दुआ भी नहीं कर सकता था, शरीयत के अंदर ये मना है, ये जानता था। फिर कहता है कि ऐसे करता खुदकुशी कर लेता हूँ। फिर सोचता नहीं अगर खुदकुशी की तो फिर मेरी अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाऊँगा, 85 साल उम्र है, मैं कोई अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं की और हराम काम भी नहीं किए, तो मैं अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाऊँगा। फिर क्या करता है, सोच के अंदर पड़ जाता है, जमीन के अंदर ना एक छड़ी होती है वो मारता है, यानी बंदा जब ऐसे हालात के अंदर होता है तो वैसे लगा रहा। आखिरकार क्या क्या करता है, थोड़ा सा जमीन खोदता है तो अंदर से एक ना बटवा निकलता है, ये बटवा जब निकलता है इसे निकालता है, निकालने के बाद जब खोलता है उसके अंदर 1000 दिनार थे, यानी 1000 सोने के सिक्के थे। ये देखो जिसके अंदर अल्लाह ताला तकवा मौजूद हो ना, खौफ खुदा हो, अल्लाह ताला उसके लिए कैसे रास्ते आसान करता है, रिज़्क वहां से देता है जहां से हमारा वहमो गुमान भी नहीं। वो कहता है जब ये खोलता है तो 1000 दिनार थे, लेकिन उसके अंदर तकवा मौजूद था, क्योंकि ये मसला समझ ले, जब आपने कहा चीज गिरी देखी है तो आप वहां ना उठाएं, अगर आप उठा लेंगे हाथ लगा लेंगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाएगी कि आपने 1 साल तक ऐलान करना है कि अगर किसकी ये चीज है वो आके ले ले, उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो वो बड़ा परेशान हुआ, पहले तो मैं अकेला था, अब इसकी भी जिम्मेदारी मेरे को ऊपर पड़ गई है। अब घर गया, लमारी के अंदर ये पैसे रखने लगा कि जोर की नमाज पढ़ने जाऊंगा मक्के के अंदर बैतुल्लाह के अंदर, तो मैं ऐलान करूंगा जिसकी कोई चीज गुमी है वो मुझसे ले ले। जब अलमारी के अंदर रखने लगता है उसकी बीवी देख लेती, कहती ये क्या चीज रख रहा है, वो जल्दी कहता कुछ नहीं, क्योंकि जब ऐसा लहजा किया ना बीवी को शक हुआ कुछ ना कोई मसला जरूर है। अलमारी खोली, देखे पैसे, तो बीवी कहती है 1 दिनार निकाल लेते हैं और अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, ये फिर रख देंगे। उसने कहा नहीं ऐसे मैं नहीं करूंगा, अगर ऐसे मैं कर लूंगा मेरे ऊपर मौत आ जाए, 1 दिनार का मैं मकरूज होके जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ताला शहीद को भी माफ कर देता है, सबको माफ कर देता है, शहीद अगर खून गिरता ना जन्नत के अंदर चला जाता है, ये हदीस है। अगर उसके ऊपर कर्जा मौजूद है तो वो कर्जा शहीद के ऊपर भी माफ नहीं होगा। तो मैं अपने अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा, ये अपनी बीवी से, बीवी कई बीवियां अक्सर होती हैं जो यानी डट जाए, नहीं नहीं ऐसे ही करना ऐसे ही करना, वो भी ऐसे ही थी, मुझे नहीं मैं निकालूंगी 1 दिनार और कपड़े लूंगी, फलां चीज लूंगी, अफतारी करनी है फलां चीज लूंगी। उसने कहा अगर ऐसे किया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। जब ये लफ्ज़ सुना उसने रोंगटे खड़े हो गए कि 85 साल में की उम्र है, कम से कम 60 साल तो रहा होगा उसके साथ, 60 साल के अंदर तलाक वाला लफ्ज़ उसने बोला ही नहीं, मैंने 1 दिनार निकालने की बात की है तो आपने तलाक का लफ्ज़ बोल दिया। उसने फिर लफ्ज़ बोला, उन्होंने कहा नहीं इसलिए कि मैं अपने रब के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं, लोग नहीं देखने वाले, कोई बंदा मुझे नहीं देख रहा, मैं सारे पैसे भी खर्च कर दूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन मेरे जमीर कहता है कि अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। ये जब लफ्ज़ बोले, जोर का वक़्त हुआ, मस्जिद के अंदर आया, मस्जिद के अंदर जब जोर की नमाज अदा की, जिसके पैसे गुमे थे वो नौजवान खड़ा, बड़ा खूबसूरत नौजवान था खरसान इलाके का,
कहता मेरे हजार दिनार को मैं किसी को मिले हो तो मुझे दे दे, अल्लाह उसे डबल अजर देगा। जब ये कहा तो वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, कहता है मुझे तजर्बा है, 85 साल मेरी उम्र है, किसी के पास ये पैसे यानी होंगे गुर्बत की वजह से वो नहीं दे रहा होगा, इस तरह करो इसके साथ कोई डिस्काउंट करो, अगर 1000 दिनार है 100 से दे दो, पैसे अपने पास मौजूद है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। उसने कहा नहीं ऐसे मैं नहीं करूँगा, इतने पैसे मैं दे दूँ, क्योंकि उसके अंदर अमानत थी, उसके बाप ने दिया था कि आपने गरीबों के अंदर ये तकसीम करना है, इसलिए उसने कहा नहीं मैं ऐसा मामला नहीं करूँगा। 3 दफ़ा ऐसे हुआ सर और मगरब तक, और उसके बाद उस नौजवान को शक हुआ कि ये बूढ़े के पास ही पैसे हैं। वो उसके साथ गया घर, उसने कहा मुझे अपनी अलमारी दिखाएं, मैं आपके घर को चेक करना चाहता हूँ। उसने कहा रुक जो, ठहर जो, इसमें मेरी 4 बेटियाँ हैं, 2 बहनें हैं, और इस तरह मेरी बीवी और मेरी सास है, उन्हें मैं लादा कर लूँ, उनके कपड़े अच्छी तरह नहीं, तो वो लादा की। उसके बाद अलमारी चेक की और उसके अंदर 1000 दिनार जब निकले ना, तो उसे कहने लगा ये 1000 दिनार तेरे लिए ना कि ले लो, अब इसे गिन के जाना है, काम ना हो अगर काम है तो मुझसे ले लेना। जब गिने 1000 पूरे, जब निकला थोड़ी देर के बाद दोबारा आ गया, दोबारा दरवाजा खटखटाया, तो पहले बीवी बड़ी गुस्से के अंदर थी, इसे हमारी हालत के ऊपर रहम नहीं आया कि हम कितने गरीब हैं, थोड़ा सा भी इससे अपना हमें हिस्सा दे देता। जब वापस आया गुस्सा तो पहले बहुत था लेकिन अल्लाह का खौफ भी बड़ा था। उसे कहा अच्छा आ गया तू, हमारा मेहमान बन के आया, ये मेरे घर के शेर के अंदर बैठ, पानी ला कर दिया, ये मेरे पास पानी है, ये पानी पी ले, अगर रहना चाहता है खरसान इलाके से आया, अगर 4 दिन 5 दिन तूने उमरा या हज करने आया, रहना तो इधर ही है ना, तो हमारे पास रहना रह ले, लेकिन यहाँ रहेगा, अगर पानी या जो भी हमारे पास हुआ हम तुझे देंगे। जब ये मंजर देखा सुना, पानी पीने के बाद कहता है वो नौजवान, कहते ये 1000 दिनार ये आपके हैं, ये देखे, वो लालच था कि हम 1, 2, 10 ले लें, लेकिन तकवे की वजह से अल्लाह ताला ने 1000 दिनार लुटा दिए। कैसे? वो कहता कि मेरे बाप ने मुझे 1000 दिनार दिए, कहा था कि आपको जो सबसे बड़ा गरीब नजर आया ना बंदा उसको ये दे देने हैं। मैं खरसान से चला मक्के तक आया, मैं लोगों के घर देखता आया, लोगों के हरकत देखते आया, मैं लोगों के साथ मुलाकात करते आया, लेकिन मुझे आपसे बढ़कर गरीब नहीं मिला, अब ये 1000 दिनार आपके हैं। जब 1000 दिनार लिए बड़े खुश हुए कि हम तो 100 के ऊपर राजी थे कि अल्लाह ने हमें 1000 दिनार दे दिए, और बड़े खुश। और साथ मोहम्मद बिन कासम तबरी वो ना एक यानी सुराख से सारा मंजर देख रहे थे, उन्होंने जब देखा तो वो बुजुर्ग कहते हैं तुम भी इधर आ जा, तुझे भी हिस्सा देते हैं, क्योंकि हम यानी तकसीम कर लेंगे, सारे बैठे और सबको एक एक देते गए, यानी 10-12 जितने यानी 108 या 107 जितने आए अशरफी हैं वो सब ने जब तकसीम की, तो मोहम्मद बिन कासम तबरी रहमतुल्लाह फरमाते एक वक्त आया कि मैं उसके घर के अंदर गया, क्या देखता हूँ उसकी 4 जो बेटियाँ हैं वो बादशाह के बेटों के साथ उनकी शादी होगी। ये किस बुनियाद के ऊपर? तकवे की बुनियाद के ऊपर। और उसके बाद क्या देखता हूँ, थोड़ी सी मुद्दत गुजरी, ये नौजवान कहता है कि वो बूढ़ा भी दुनिया से चला गया, वो जो बूढ़ी थी वो भी चली गई, लेकिन उन्होंने एक याद छोड़ गई है कि अल्लाह ताला वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लाह मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते निकालता है इंसान सोच भी नहीं सकता, अगर तंगी है, परेशानी है, मुसीबत है, तो तकवा के जो है उसके दामन को कभी ना छोड़े। और यहाँ तक मैं कहा करता हूँ जिस तरह समंदर पानी के बगैर क्या है, समंदर है नहीं, ये वो रेतला इलाका बन जाएगा या सहरा बन जाएगा, इसी तरह जिस बंदे या मुसलमान के अंदर तकवा मौजूद नहीं वो एक वीरान सहरा तो हो सकता है लेकिन समंदर नहीं बन सकता। तो अपने अंदर तकवा पैदा करें। तकवा मैं दोबारा इसकी तारीफ कर देता हूँ, हराम कामों से बच जाना, ये असल के अंदर तकवा है। जो बंदा कहना मैं बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ सदके ज़कात देता हूँ और हक दूसरों का लेके सदके ज़कात देता है, ऐसे सदके ज़कात का भी कोई फायदा नहीं, हराम के अंदर यानी हराम कमाई करके सूदी कारोबार कर रहा है। साहब कहते हैं मैंने एक इदारा खोला है जिसके अंदर गरीबों के साथ तामन हो रहा है,
ऐसा पैसा उसे कोई काम नहीं देगा। इसलिए आप सबसे पहले कोशिश करें हराम कामों से बचना। जब हराम कामों से बचेंगे तो आप दूसरे नेक काम भी इंशाल्लाह करना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।